ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है और इसकी वजह से लोगों को सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और इनके जो व्यवहार होते हैं, इनके बिहेवियर जो होते हैं वो रिपेटिटिव होते हैं, मतलब बार बार एक ही बिहेवियर को दोहराते हैं। मैम, आपको कब लगा कि आपका बच्ची है वो ऑटिज़म से प्रभावित है? जब वो 3.5 साल की थी तो बोलती नहीं थी और भागती बहुत थी, बहुत हाइपर थी, इधर से उधर भागती रहती थी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है लाइफ में, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी हमारे स्पेशल बच्चों के बारे में। बट जब मैं उसको दिल्ली ले गई थी माता बिटिया को, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसको ऑटिज़म है। अरुणिमा सेंटर इसलिए खोला गया क्योंकि मेरी अपनी बहन जो है वो, जिसका नाम अरुणिमा है, वो भी ऑटिस्टिक है और अब वो 36 ईयर्स की हो गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बहन की सिचुएशन देखकर भी हम लोगों ने ये अरुणिमा सेंटर खोला। वो 11 साल की थी तब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसी संस्था ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं उसको ऑटिज्म मींस बलिंगता से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकूं। तो जो हमारी हेड ऑफ स्पेशल एजुकेशन मिसेस प्रियोलाल, उन्होंने मुझे अरुणिमा के बारे में बताया था। ऐसे सेंटर चलाने में हमारे 3 मेन चैलेंज रहे हैं। एक रहा है फंडिंग का, ये जो प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हमारे इतने स्टाफ होते हैं और हमारे को फैसिलिटी भी अच्छी चाहिए होती है, तो फंडिंग की तो हमेशा प्रॉब्लम रहती ही है। उसके अलावा दूसरी चुनौती रही है अच्छे स्टाफ ढूंढने वाली प्रॉब्लम। हर एक इंसान ऑटिस्टिक लोगों के साथ काम नहीं कर पाता है क्योंकि ऑटिस्टिक लोग होते काफ़ी चैलेंजिंग है। और तीसरा चैलेंज है सोसाइटी, बहुत बार हमें सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा सेंटर उनके आसपास खड़ा हो। मैं अपर्णा दास जी से मिली थी, डायरेक्टर ऑफ अरुणिमा, और वो मदद इस तरीके से कर रही हैं कि जो ट्रेनिंग मेरी बेटी को चाहिए, राइट ट्रेनिंग पैटर्न, वो उसको दे रही हैं, उसको उसकी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनवा रही हैं, उसके स्किल्स को डेवलप कर रही हैं, जो काबिलियत उसमें है वो निकल के आ रही है। इस तरीके से मुझे अरुणिमा हेल्प कर रहे हैं। हर 4 लड़कों के लिए एक लड़की ऑटिस्टिक होती है, मतलब ऑटिज़म जो है वो लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, लड़कियों में कम पाया जाता है। भारत की सरकार में तो अभी अवेयरनेस शुरू हुई है ऑटिज़म के बारे में, बहुत पहले, अभी कुछ 1 साल पहले ऑटिज़म को एक डिसेबिलिटी भी नहीं माना जाता था। कई बच्चे, मतलब स्टूडेंट ऐसे थे कि जो मतलब घर से आए थे, काफ़ी चीज़ें कि वो नहीं आती थी उन्हें, लेकिन अब उन पर बहुत बुला भी है। जब घर से आई थी तो वो खाना में काफ़ी वो होती थी, नहीं खाती थी वो। और हमारी एक स्टूडेंट है जो, वो जब घर से आई थी तो सोती भी नहीं थी और अपने रूम में नहीं, खुद को बहुत पिंच करती थी, लेकिन आज के दिन ये है कि उसका पिंच करना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सबके साथ अच्छे से रहती है, मतलब सबका कहना मानती है। तो जब वो पहले पहले आए थे तो मतलब बहुत काटता था, थूकता था, मारता था, मतलब काफ़ी ऐसे मिसबिहेव करता था जैसे हम, मतलब वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहता था। तो अब वो अच्छे से एक्टिविटी भी कर लेता, पहले से बहुत बेटर है। हमारी ट्रेनिंग में यही है खास कि मतलब हम अपने स्टूडेंट को अपने तरीके से उसे हैंडल करते हैं, उनको एक तो उनको देख के करते हैं, हम उनका जो भी प्लानिंग करते हैं उनको देख के करते हैं। ये नहीं कि जो स्टूडेंट हमारा कर ही नहीं सकता हम उन्हें वो चीज़ दें, तो मतलब हम सबसे पहली चीज़ हमारी ये है कि हम स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, उनसे प्यार से रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं। अगर जब उनका मन नहीं होता, बिहेवियर करते हो ज़्यादा, तो हम उनको कभी कभी छोड़ भी देते हैं जो कि उनको अच्छा लगता है, वो हम उनको अलग छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। बंद करो बुक, क्लोज द बुक, बंद करो ना। प्रोग्राम इज किन किन विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है और इसका क्या असर पड़ता है बच्चों पर?
हम सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि उन्हें किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है, उन्हें किसके साथ कैसे रहना है। अगर हम अपने रूम में हैं तो मतलब वो कैसे भी रिलेटिव है, कैसे भी हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर आना है और किसी से बात करना है तो उन्हें किस तरह से अपने कपड़े सही करके बाहर आना है। कोई कोई ऐसे थे कि बिल्कुल भी नहीं नहा पाते थे, साबुन नहीं लगा पाते थे, पानी नहीं डाल पाते थे, तो अब अच्छे से मतलब काफ़ी हद तक कर लेते हैं। जैसे शॉपिंग में, तो शॉपिंग में भी यही होता था उनका पहले कि क्या खाना है, तो खाने के लिए चीज़ें ढूंढते थे पहले, तो अब हम उनको शेड्यूल बना के देते हैं तो समझ जाते हैं। मैम आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के काम से, और आपका जो ये अरुणिमा सेंटर है इसके काम को और कितना आगे ले जाना चाहते हैं आप? मैं तभी कह पाऊंगी कि हम सरकार के काम से संतुष्ट हैं जब सरकार इसको पूरी तरह पहचानेगी और इसके लिए सोसाइटी में प्रोविजंस बनाना शुरू करेगी। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं सरकार के काम से संतुष्ट हूँ। और जहाँ रहती है हमारे, हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं सेंटर को, ये वाली बात, हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एक मॉडल बने दूसरे सेंटर्स के लिए, दूसरे लोग इस तरह के सेंटर्स खोलें जो कि सोसाइटी में ही हो, समाज में ही हो। हमें समाज से हटकर नहीं रहना चाहते हैं, और अगर सरकार के द्वारा भी इस तरह की संस्थाएं खोली जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी।